हमें मार्केट वाले कलर बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं और अप्लाई करने के बाद तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो हमारे व्हाइट हेयर बढ़ा देता है और भी उसके साथ हेयर की प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम मार्केट जैसे ही कलर बनाएंगे और एक ऐसा हेयर टिंट बनाएंगे जिसकी वजह से हमें मार्केट वाले कलर के जैसे ही इंस्टेंट रिजल्ट मिले और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और आपके हेयर को प्रॉब्लम भी नहीं करेगा और आपके हेयर की केयर भी करेगा। इस टाइप का हम आज हेयर कलर बनाने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें इजी, फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट वाले रेमेडीज अच्छे लगते हैं और मार्केट वाले हमें हेयर कलर पसंद है और क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है लेकिन वो सेफ नहीं होता है। तो आज हम कुछ ऐसी रेमेडीज बनाएंगे, ऐसा हेयर कलर बनाएंगे जो मेहंदी जैसा नहीं है, लेकिन हम मेहंदी लगाना चाहते हैं लेकिन उससे हमें जो वो ऑरेंज वाला कलर आ जाता है वो हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा कलर लेके आएंगे जिससे हम के ऑरेंज हेयर नहीं होंगे और आपको एक अलग सा हेयर कलर मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हेयर टिंट जैसा आपको ये मिलेगा कलर आपका, तो ये एक हेयर टिंट कलर ही है। और तो यहाँ पे हम ये रेमेडीज बनाएं उसमें हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने लिया है बीट रूट पाउडर। तो बीट रूट पाउडर एक नेचुरल बर्गंडी कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसका अपना ही एक नेचुरल कलर रहता है और ये हमारे हेयर के लिए भी सेफ है। और ये बीट रूट हमारे हेयर को कलर तो देता है लेकिन साथ साथ में हमारे हेयर की केयर भी करता है। तो यहाँ पे अराउंड मैंने 6 स्पून है बीट रूट पाउडर लिया हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है रतन जोत पाउडर। रतन जोत यहाँ पे मार्केट में आपको पूरा मिल जाएगा, तो मैंने इसको मिक्सी में क्रश कर लिया था। तो जैसे बीट रूट पाउडर में अपना एक बर्गंडी कलर रहता है, सेम वैसे ही रतन जोत में भी अपना खुद का एक बर्गंडी कलर रहता है जिसकी वजह से वो हमारे हेयर को कलर तो देता है लेकिन साथ साथ में ये हमारे हेयर की केयर भी करता है। तो यहाँ पे हमारे दो चीज हो जाती है, हमें हेयर का कलर मिल जाता है और साथ में हमारे हेयर की केयर भी हो जाती है। तो यहाँ पे अराउंड मैंने 6 स्पून रतन जोत पाउडर लिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स लिया है हमें मेहंदी। तो मेहंदी यहाँ पे हमें 6 स्पून पाउडर ही लेना है। अगर आप ज्यादा डार्क कलर चाहते हो तो आप मेहंदी का प्रपोर्शन कम कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको बर्गंडी कलर का ज्यादा आपको कलर मिलेगा तो मेहंदी का कलर कम हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो और अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से इस प्रपोर्शन को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये हमारा हो गया है इंस्टेंट हेयर कलर। तो ये आप कभी भी यूज कर सकते हो, आपको यूज करने के टाइम आपको रात को ओवरनाइट इसको भिगो के रखने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटली आप इसको यूज कर सकते हो जैसे हम मार्केट वाले मेहंदी या हेयर कलर यूज करते हैं वैसे ही। यहाँ पे इसको हम कैसे भिगोते हैं और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक आपको नेचुरल हेयर कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक DIY हेयर डाई की ही बात करते हैं क्योंकि ये जो हम हेयर कलर, हेयर डाई वो सब चीजें सेम ही रहती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हम मार्केट में जो हेयर डाई मिलती है, तो वैसा ही हम यहाँ पे ये जो DIY हेयर डाई है वो हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमें चाहिए आयरन की कढ़ाई। तो आयरन की कढ़ाई में हम इसको डालेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम एड करेंगे गरम पानी। तो यहाँ पे हमें गरम पानी लेना जरूरी है क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पे हम इसके अंदर हमें एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम गरम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का हमें पेस्ट बनता है। फिर आपको जैसा पेस्ट चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर गरम पानी ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि ये एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है। हम इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे या फिर आप प्लास्टिक रैप करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम हाफ एन आवर तक इसको हम ऐसे ही ढक के रख देंगे। तो आप सुबह उठ के इसको ढक के रख दीजिए, आधा पौना घंटा हो जाए अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर इसको इसके बाद अपने हेयर में अप्लाई कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, इंस्टेंट ही इसका रिजल्ट भी मिलता है आपको। यहाँ पे हाफ एन आवर के बाद
अभी मैं इसको मैं अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ऑलवेज मैं अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ, तो मैंने सोचा अभी किसी और के ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। पहले हमें पूरा स्कैल्प में लगाना है, रूट्स में लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन करके इसको हम राउंड राउंड करते जाएंगे, और इसको हम धीरे धीरे अप्लाई करते करते पूरे हम अपने हेयर में अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का ऐसे बन बना लेना है। फिर उसके बाद इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हिना लगाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि हिना को जब तक सूख ना जाए तब तक हमें अपने हेयर में से निकालना नहीं है। लेकिन ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। जितना इसको ड्राई होने देंगे वो आपके हेयर का नेचुरल मॉइस्चर ले लेगा और आपके हेयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी। तो प्लीज इस तरह से आप मत करिएगा। जब भी हिना लगाए या हेयर पैक लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन उसको शावर कैप से रैप कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो हमने जो हिना लगाया है और उसमें हम शावर कैप लगा देंगे तो उसके अंदर उसका मॉइस्चर रहेगा, और हिना को यहाँ पे हमें ड्राई नहीं होने देना है, तो वो ड्राई नहीं होगा और उसकी वजह से हमें इसका कलर भी अच्छा मिलेगा और हमारे हेयर में आफ्टर हिना के बाद हमें इसमें ड्राइनेस भी नहीं फील होगी। और उसके बाद इनका जब हो गया अराउंड, मैंने इसको 2 आवर्स इनको बोला था कि आप अपने हेयर में रखिए। फिर उसके बाद इसने जब हेयर वॉश कर लिया, फिर ये मेरे पास आया और फिर आपको मैं दिखा रही हूँ कि आप देखो कितना प्यारा कलर आया है, एकदम अलग ही नेचुरल कलर आया है। और यहाँ पे हल्का सा इसको बर्गंडी का शेड मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है। वो मार्केट वाले के अंदर वो केमिकल्स रहते हैं तो वो हमारे हेयर में ज्यादा वो इफेक्ट देता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक हल्का सा टिंट देता है, शेड देता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा DIY हेयर डाई है यहाँ पे इस तरह से ये काम करता है, और इस टाइप का ये कलर हमें मिलता है। हेयर को कलर तो देता है लेकिन साथ साथ में ये हमारे हेयर की केयर भी करता है। तो इसको रिमूव करने के बाद आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी, आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, और ये अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लगा के रखते हो तो आपके हेयर फोल भी नहीं होंगे। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।